टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंच कर्व से फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं सिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आपने इंजीनियरिंग कर्व्स बना दिया, पॉइंट्स मिल गए। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखिए और यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंट तो हम लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ऐसे कर्व के साथ, ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, पेंसिल लेके या मैं अभी मार्कर से कर रहा हूँ तो जो आपको अच्छी तरह से दिखे ऐसे मार्क कर दीजिए। बाद में इसको उठा के उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, आपको ये वाले पॉइंट्स भी मिल जाएंगे नीचे वाले। हमेशा याद रखो ये इक्वल होना चाहिए, तो ऊपर जैसा कर्व आया नीचे भी वैसा ही कर्व आएगा। उसके बाद इसको राइट में, ये देखो ये कैसा उल्टा, अभी राइट साइड नीचे, ये देखो ऐसा है ना, ये उल्टा किया अभी ऐसा, तो ये वाला कर्व मिल गया। इसके बाद इसको घुमा दिया ऐसे, तो ये वाला कर्व मिल गया। उसके बाद ये देखो ऐसे रखा यहां से यहां, और ऐसे देखना है कि वो मर्ज हो। वापस मार्किंग कर देते हैं यहां से, ये देखो ऐसा, ये ऐसा बना। अभी उल्टा साइड का चाहिए तो उसको घुमा दो। तो इस प्रकार से हमें इंजीनियरिंग कर्व्स के जो कर्व है फ्रेंच कर्व से ऐसे बनाने, नहीं तो आप फ्री हैंड से भी बना सकते हो। ये फ्रेंच कर्व है तो उसको यूज़ कैसे करना इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसको वापस उल्टा कर दीजिए तो इस प्रकार से आप ये कर्व बना सकते। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।